माय चैनल शशि गुप्ता किचन। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए डिलीशियस फ्रूट क्रीम। चलिए जो जो मुझे सामान चाहिए मैं आपको बताती हूँ। आई हैव टेकन द फ्रूट्स, ऑरेंज, एप्पल, बनाना, ग्रेप्स एंड स्ट्रॉबेरीज, फ्रेश क्रीम पैकेट्स, वनीला एसेंस एंड क्रश शुगर। फ्रेंड्स आओ शुरू करते हैं बनाना फ्रूट क्रीम। इसके लिए जो मैंने फ्रूट्स लिए थे मैंने उनको काट लिया, बनाना, एप्पल, ऑरेंज, स्ट्रॉबेरीज एंड ग्रेप्स। अब हम क्रीम को इसमें पलट लेते हैं बाउल में। फ्रेश क्रीम जो ली थी तो बाउल में डाल लिया। इसमें क्रश शुगर ऐड करेंगे 3 स्पून। अब अकॉर्डिंग टू आपके टेस्ट के यू कैन डू लेस और मोर, कम ज़्यादा आप अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। अगर आपकी क्रीम ज़्यादा ठीक है तो आप इसमें मिल्क भी ऐड कर सकते हैं, दूध, ठंडा दूध ऐड करें। लेकिन अब इसमें मैं वनीला एसेंस डाल रही हूँ, थोड़ा सा ही लेंगे वनीला एसेंस। हाफ टी स्पून वनीला एसेंस, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है फ्रूट क्रीम का। आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब मैं इसमें फ्रूट्स ऐड करना शुरू करती हूँ, ऑरेंज, ग्रेप्स, स्ट्रॉबेरीज, बनाना एंड एप्पल। आप फ्रूट्स अपने अकॉर्डिंगली कम ज़्यादा डाल सकते हैं। अब इसको हल्के हाथ से मिक्स करना है। ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप इसमें मिल्क ऐड कर दीजिए, ठंडा दूध। अगर आप गाढ़ी पसंद करते हैं तो इसको एज इट इज रखिए। कुछ देर में फ्रूट्स भी अपना अपना जूस थोड़ा थोड़ा छोड़ते हैं, उससे ये थोड़ा और पतला हो जाता है। देखिए फ्रेंड्स कितनी टेम्पटिंग फ्रूट क्रीम तैयार हुई है। नाउ अब आपको इसको सर्व कर सकते हैं एज अ स्वीट डिश, सर्व कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू लाइक माई रेसिपी मेरे चैनल को प्लीज़ कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। शशि गुप्ता किचन, थैंक यू।